हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आज की जॉब की अपडेट पवन हंस लिमिटेड की तरफ से 2023 की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है 2023 की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले इस रिक्रूटमेंट के अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है तो वीडियो को विदाउट स्किप के जरूर से देखना जब भी आपके यहाँ सभी क्वेश्चन एंड डाउट यहाँ आपके क्लियर होने वाले एंड अगर आपको ये चैनल पर वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप ये वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं एंड यह चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक प्रोवाइड हो और जो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा पवन हंस लिमिटेड कि आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली करियर सेक्शन पर जाकर जो भी इनकी वैकेंसी है पोस्ट नेम वाइज वैकेंसी को आप वहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं और इस वीडियो के अंदर हम जो वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हम इस वीडियो के अंदर ओनली इंगेजमेंट ट्रेनी टेक्नीशियन के बारे में डिस्कस करने वाले और जो भी कैंडिडेट एसोसिएट हेलीकॉप्टर पायलट के लिए अगर आप आग इलिजिबल रहने वाले तो उनके आप ऑफिशियल वेबसाइट से या ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप यहाँ कंप्लीटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप रीड आउट कर सकते हैं एंड अगर आप इस पोस्ट के लिए अगर आप इलिजिबल है तो आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ हेलीकॉप्टर पायलट के लिए भी आपको यहाँ वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और जो कैंडिडेट फ्रेशर है उनके लिए भी यहाँ फ्रेश पायलट के लिए यहाँ आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और ये जितने भी पोस्ट है यहाँ पावर हंस लिमिटेड की जो भी करंट ओपनिंग पावर हंस लिमिटेड में उसकी जो लास्ट डेट है आपको सेम पोस्ट के लिए यहाँ आपको सेम लास्ट डेट देखने को मिलने वाली है थर्टी जनवरी टू इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और जो इसका अप्लीकेशन फॉर्मेट है वो यहाँ आपको अपलीकेशन ब्लैंक फॉर्म यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है जो भी कैंडिडेट अगर आप यहाँ पर एलिजिबल है तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म को आप यहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं इसका अपलीकेशन फॉर्म भी आपको आप टेलीग्राम पेज पर प्रोवाइड हो जाएगा तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो टेलीग्राम पेज को भी आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो के अंदर हम इंगेजमेंट ट्रेनिंग टेक्नीशियन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपके पास बी बी टे है मैकेनिकल एरोनॉटिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या फिर अगर आपके पास इंस्ट्रोमेंशन में है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले बी बी टेक में एंड अगर आपके पास बी बी टेक नहीं है तो आपके पास अगर ए एम ई कोर्स है फ्राम डीजीसी रिकॉगनाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले या फिर अगर आपके पास एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग मेंस वन पॉइंट थ्री और बी टू कटेगरी फ्रॉम डीजीसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से तो भी आप इस फॉर्म के लिए यहां पर एलिजिबल रहने वाले बट ये रिक्रूटमेंट जो है यह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रिक्रूटमेंट है जैसे आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ओपन करेंगे तो आपको देखने को मिलने वाला है कि रिक्रूटमेंट है वो ओनली कॉन्ट्रेचअल बेसिस आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाली है और यह रिक्रूटमेंट के लिए आपको मिनिमम वन ईयर का एक्सपीरियंस आपको मेट्री टोरी रिक्वायर्ड है जो आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो मेंटेनेंस या ट्रांसफर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर का आपको वन ईयर का एक्सपीरियंस आपको मैंनेडेटोरी लगने ही वाला है एज लिमिट की बात करें तो ट्वेंटी फाइव ईयर यहाँ आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहने वाली है रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड होने वाला है एस सी एस टी कैटगरी के लिए ओ बी सी कटेगरी के लिए ई डब्ल्यू एस कैटेगरी के लिए और जो पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट में आते हैं उनके लिए भी आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड होने वाला है सैलरी की बात करें तो जो आपको पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड होने वाली है वो सोलह हज़ार पाँच सौ आपको पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड होने वाली है प्लस यहाँ आपको अदर अलायसेज भी हैं आपको देखने को मिलने वाले और यहाँ से आप जनरल कंडीशन भी आप यहाँ से कम्प्लीटली रीड आउट कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होने वाला है और इस फॉर्म के लिए ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल रहने वाले कोई भी स्टेट हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले और जो भी कैंडिडेट के यहाँ अपलीकेशन फॉर्म अगर शॉर्टलिस्टेड होता है तो उन्हें स्किल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए यहाँ आपको कॉल किया जाने वाला है जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पर कॉल किया जाने वाला है और जो है आपका अप्प्लीकेशन फॉर्म है मैंने आपको स्टार्ट में डिस्कस कर दिया कि जो आपको अप्लाई करने का प्रोसेस किस तरीके से रहने वाला है डायरेक्टली जो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा आप वहाँ से जो भी पवन हंस लिमिटेड के करियर के सेक्शन में आप जाकर इसका अपलिकेशन फॉर्म को आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं और जो आप अपलीकेशन को आप कम्प्लीटली फिलअट फ़िलअप करके आप इस एड्रेस पर अप्लीकेशन फॉर्म को आप इजीली सेंड आउट कर सकते हैं और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो थर्टी जनवरी टू इसकी लास्ट डेट रहने वाली है एंड जो आपको अपलीकेशन फीस के चार्जेस पे करना है जनरल ओ बी सी कैटेगरी के लिए जो नॉन रिफंडेबल है वन हंड्रेड प्लस जी के यहाँ आपको चार्जेस पे करना है और ये जो अपीलीकेशन फॉर्मेट है वो आपको डिमांड ड्राफ्ट के जरिए से आपको अप्लीकेशन फॉर्म को आपको सेंड करना है और जो बैकवर्ड क्लासेज में आते हैं उनके लिए यहाँ आपको कोई भी अपलीकेशन फीस के चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से ये नोटिफिकेशन है एंड अगर आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन या डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट की रिप्लाई करने की एंड अगर आपको ये चैनल पर वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप ये वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं एंड ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले आप तक प्रोवाइड हो सके